ऐसे ही कुंडली एकदम से जागृत नहीं हो जाती। जब प्राण सिद्ध होने लगते हैं, प्राणों के ऊपर क्रिया की जाती है, उनको साधा जाता है योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, साधना के द्वारा, सुमरण के द्वारा, नाम के द्वारा, जब उनको साधा जाता है तो जितना प्राण सधता जाएगा उतनी ऊर्जा ऊपर उठती जाएगी। वो ऊर्जा, कुछ लोगों को ये भ्रम है कि वो ऊर्जा केवल रीढ़ की हड्डी के बीच से चलती है और बस वही अनुभव और महसूस होती है कि बस वही ऊर्जा होती है और शरीर में कहीं ऊर्जा नहीं होती। लेकिन पूरे शरीर के अंदर वो ऊर्जा होती है, पूरे शरीर के अंदर वो एनर्जी होती है। शरीर में करीब 112 चक्कर होते हैं पूरे शरीर के अंदर, पैरों से लेकर के शिखा तक, पैर से लेकर के सिर तक, और बाहर भी 2 चक्कर होते हैं ओरा के। ये योग की बातें हैं, ध्यान की। जब आप ध्यान करोगे आपको नजर आएंगी ये चीजें। ये केवल मुझे अनुभव नहीं हुई, ये जो वहां पहुंचे हैं सबको ये चीजें अनुभव होती हैं। किसी को किसी प्रकार से, किसी को किसी प्रकार से, लेकिन अनुभव सबको होती हैं। आपको भी ये अनुभव होंगी निश्चित ही, कोई नहीं रोक सकता। अगर आप उस मार्ग के ऊपर चलोगे, अगर आप उस ध्यान और सुमरण के रास्ते के ऊपर चलोगे, कोई नहीं रोक सकता जागने से। लेकिन अगर मात्र सांसारिक वस्तुओं के लिए भागदौड़ है, सांसारिक वस्तुएं प्राप्त हो जाएं और बस चल जाए काम, फिर ये अनुभव नहीं होंगी चीजें। कुछ लोग 2-4 दिन बैठते हैं ध्यान के ऊपर और सोचते हैं कि हमारा ध्यान अभी लग जाए, एक भी विचार ना उठे, बैठे और समाधि लग जाए। ऐसा संभव नहीं है। ये गीता में अर्जुन ने भी बोला है कि मैं हवा को तो रोक सकता हूँ लेकिन मन को नहीं रोक पा रहा। तो अर्जुन जैसा योद्धा भी, जिसके श्री कृष्ण सारथी, वो भी मन को रोकने में असमर्थ थे। तो साधारण लोगों के लिए मन रोकना बड़ा कठिन होता है, लेकिन बिना प्रयास किए हम ये मान लें कि हमारा तो मन रुकेगा नहीं, विश्वामित्र का नहीं रुका था, और भिन्न भिन्न दुर्वासा का नहीं रुका था, बड़े बड़े ऋषियों के उदाहरण, इंद्र का नहीं रुका था, कि इतिहास भरा पड़ा है कि किसी का रुका ही नहीं तो हमारा क्यों रुकेगा। हमने ऐसा कौन कर्म किया जिससे हमारा मन काबू में आ जाए, जीव जीवन मुक्त हो जाए। ये सोच करके अगर आप ध्यान करना बंद कर दोगे
तो फिर आप ऊपर नहीं उठ पाओगे। अगर आप हार मान करके ये बंद कर दोगे कि हमारे से नहीं होगा, अगर ये हमारे से होना होता तो अब तक हो गया होता, ये हमारे बस की विद्या नहीं है, हमारे बस से बाहर की चीज़ें हैं, हमारे ये चीज़ें समझ नहीं आती, अगर आप ये मान करके छोड़ दोगे कि हम तो परिक्रमा लगाएंगे, दर्शन कराएंगे, हो जाएगा कल्याण, बैठा नहीं जाएगा, तो आप ये समझना बिल्कुल ना करने से तो बेहतर है कि आप कुछ तो प्रयास कर रहे हैं। मानसिक स्तर पर ना सही, बौद्धिक स्तर पर ना सही, आध्यात्मिक स्तर पर ना सही, आत्मिक स्तर पर ना सही, शारीरिक स्तर के ऊपर तो आपने प्रयास किया, चाहे मंदिर में गए, कहीं भी, चाहे कोशिश की, हाथ पैर जोड़े, दो चार बार हाथ ऊपर उठा करके प्रणाम किया, कुछ तो किया, ना करने से तो बेहतर है। लेकिन ये वहाँ तक लेके नहीं जाएगा जहाँ हम आपको ले करके जाना चाहते हैं।